अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 7 किया था, जिसमें हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप की एंगुलर मैग्नीफिकेशन की डेरिवेशन की थी, जिसका फॉर्मूला एम इक्वल टू 1 + d अपॉन एफ आया था। ठीक है, मैंने आप लोगों को कहा था कि दो टॉपिक्स हमारे रह गए हैं इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो पहले हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप कर रहे हैं, उसके बाद फिर जो है हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप करेंगे। सही है, तो आज हमारी कोशिश ये होगी कि आज की क्लास में, चाहे थोड़ी सी लेंदी क्लास हो जाए हमारी आज की, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप का टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लें, उसकी डेफिनेशन और उसकी कंस्ट्रक्शन, फिर वर्किंग, फिर उसकी रे डायग्राम और फिर उसकी जो है वो क्या कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर की डेरिवेशन। ठीक है, बेशक हमारी क्लास आज 30 से 35 मिनट्स की हो जाए, कोई ऐसे मसले की बात नहीं, लेकिन आज हम हर सूरत टॉपिक अपना कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट लेते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। जो लोग क्लास 9th में बायो पढ़ के आए हुए हैं, उन लोगों ने प्रैक्टिकल भी किया होगा डिफरेंट स्लाइड्स देखने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की। ठीक है, और जिन लोगों ने अभी प्री मेडिकल ली हुई है वो भी देखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप को कि कैसा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और जिन्होंने नहीं भी बायोलॉजी ली या मेडिकल ली तो उन्होंने अपने स्कूल्स की बायो लैब में तो देखा ही होगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो आप लोग इतने तो माशाल्लाह शरीफ होते नहीं है स्कूल लेवल के ऊपर कि आप लोग अपनी बायो लैब ना जाएं। ठीक है, तो बायो लैब के अंदर कंपाउंड माइक्रोस्कोप ज़रूर देखा होगा आप लोगों ने। बहरहाल अगर तब भी नहीं देखा तो आप लोगों की फिजिक्स की बुक में ही बना हुआ है और सब गूगल यूजर्स हैं, तो आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप लिखें, डिफरेंट किस्म का माइक्रोस्कोप आ जाएंगे, देख लीजिएगा कैसा होता है इन रियल। ठीक है, बहरहाल हम इसकी रे डायग्राम बनाएंगे अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या, डेफिनेशन क्या है इसकी। डेफिनेशन पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रिव्यू करते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। है तो तमाम के तमाम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सही है बच्चों, तो डेफिनेशन का आगाज़ हमेशा ऐसा ही होगा कि इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या है बेटा ये, इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, किस लिए यूज़ होता है, इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। यूज़ क्यों होता है, यूज़ इसलिए होता है विच इज़ यूज टू सी। विच इज़ यूज टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, विच इज यूज टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स सच एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जम्स एक्सेट्रा। ठीक है ना, जम्स देखने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ हो क्या कहलाता है, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहलाता है। ठीक है बच्चों, अच्छा अब इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। देखें, हम सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़कर आए थे कि जस्ट एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर दो लेंसेज होते हैं, एक आपके पास छोटा लेंस होता है, एक आपके पास बड़ा लेंस होता है। होते दोनों कॉन्वेक्स लेंसेज हैं, लेकिन एक का साइज छोटा होगा, एक का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, अब देखें, एक दो आपके पास ऑब्जेक्ट के करीब लेंस रखा हुआ है। पहले थोड़ा सा बता दूं मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन में, जो दो लेंसेज लगे होते हैं, एक तो आपकी आँख के पास होगा और जहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, छोटा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी स्लाइड्स हैं, बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, किसी भी आपका जर्म है, आपने उसको देखना है, स्लाइड पर आपने उसका सैंपल लिया हुआ है, उसको नीचे रखा, ठीक है, जहाँ पर जगह होती है ऑब्जेक्ट रखने की उस स्लाइड को रखा। जो ऑब्जेक्ट के करीब लेंस है वो कहलाता है क्या, ऑब्जेक्टिव। क्या कहलाता है बच्चों, वो ऑब्जेक्टिव कहलाता है। सही है, और जो आपकी आंख के करीब लेंस है वो कहलाता है आईपीस। क्या कहलाता है, वो आईपीस कहलाता है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव जो है वो छोटा है, आईपीस जो है वो बड़ा होता है माइक्रोस्कोप के अंदर, जबकि टेलीस्कोप में उल्टा सीन है, आपने दूरबीन देखा होगा, आईपीस छोटा होता है, ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है टेलीस्कोप में। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या है, माइक्रोस्कोप के अंदर आपके पास जो ऑब्जेक्टिव है वो छोटा होगा, आईपीस क्या होगा, बड़ा होगा। समझ आ गई बात ये वाली। अच्छा जनाब, तो आइए इसकी कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेस, इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेस। अच्छा, लगे कहाँ होंगे, एक ट्यूब होती है सिलेंड्रिकल टाइप की ना, दोनों एक ट्यूब के दोनों एंड्स पर लेंसेज लगे हुए होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेस फिटेड एट द एंड्स ऑफ अ, क्या लिख देंगे, फिटेड एट द एंड्स ऑफ अ सर्कुलर ट्यूब, या सिलेंड्रिकल ट्यूब कहते हैं, चलो इसको सिलेंड्रिकल ट्यूब।
विच कैन बी, विच कैन बी स्लाइड इजिली इन और आउट इजिली कहते हैं, विच कैन बी स्लाइड इन और आउट इजिली, इस तरीके से कर लेते हैं कि वो अंदर भी हो सकती है वो ट्यूब एडजस्ट करने के लिए, विच कैन बी, विच कैन स्लाइड इन और आउट इजिली। क्या मतलब हुआ इस बात का? मतलब इस बात का बेटा ये हुआ, लेट सपोज मेरा ये मार्कर एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, एक यहाँ पे लगा हुआ है ऑब्जेक्टिव, यहाँ लगा हुआ है आईपीस। हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे ना, तो रोटेट करने से होगा कि दोनों लेंसेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो क्या हो सकता है, एडजस्ट हो सकता है। हमें क्लियर व्यू के लिए आप जानते हैं कि उसको सेट करना पड़ता है एडजस्टिंग स्क्रू से, ठीक है। तो वो स्लाइड जो है, अपने कैमरे का फोकस भी देखा होगा ना, जो DSLR आजकल यूज़ हो रहे हैं आपने देखा होगा अक्सर, उसका जो फोकस होता है वो बाहर निकलता है ऐसे करके ना, रोटेट होता है बाहर निकल रहा होता है, ठीक है। तो हम एडजस्ट कर रहे होते हैं कहाँ पर क्लियर इमेज आ रहा है, जहाँ क्लियर इमेज आ जाता है, ठीक है, वहाँ पर हम क्या काम करते हैं कि उसकी स्लाइडिंग को जो है वो रोक देते हैं, उसके डिस्प्लेसमेंट को, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रोक देते हैं। तो ये तो लिखा है कि कहाँ हुए वो, एट द एंड ऑफ सिलेंड्रिकल ट्यूब पे लगे हुए, और ऐसे सिलेंड्रिकल ट्यूब हो जो आपके पास क्या हो सकती हो, स्लाइड हो सकती हो, स्लाइड इन अंदर भी स्लाइड हो सकती हो और बाहर भी स्लाइड हो सकती हो। तो ऐसी आपके पास कंस्ट्रक्शन होती है किस चीज़ की बेटा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। अब आपने कहा कि दो कॉन्वेक्स लेंसेज हैं, लिखा है ना, इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज। जब टू कॉन्वेक्स लेंसेज लिखा है, उनके नाम भी कोई ना कोई होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास पहला कॉन्वेक्स लेंस है उसका नाम होता है ऑब्जेक्टिव, तो यहीं लिख देता हूँ मैं, ऊपर ही लिख देता हूँ। चलो, जो पहला कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास है उसका नाम बच्चों क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है उसका नाम। ये आ गया ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव आ गया। इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस विच इज प्लेस नियर द ऑब्जेक्ट। जैसे स्टार्ट लेते हैं कि इट इज ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, इट इज ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ एंड ए स्मॉल अपर्चर, एंड ए स्मॉल अपर्चर विच इज प्लेस्ड नियर द ऑब्जेक्ट, विच इज प्लेस्ड नियर द ऑब्जेक्ट। सही है भाई, ये तो हो गई आपके पास ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन। उसके बाद आपके पास डेफिनेशन किस चीज की होती है ऑब्जेक्टिव के बाद, आईपीएस की। दूसरा जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कौन सा होगा, आईपीस होगा। आईपीस में क्या होगा बेटा आपके पास, आईपीस में आपके पास होगा कि वहां शॉर्ट फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव की, तो आईपीस में क्या होगी, लॉन्ग फोकल लेंथ होगी। तो तुम क्या लिखोगे, इट इज ऑफ लॉन्ग फोकल लेंथ या लार्ज फोकल लेंथ, इट इज ऑफ लॉन्ग फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर, एंड लार्ज अपर्चर विच इज प्लेस्ड नियर द आई, आपकी आंख के करीब रखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, आई पीस हो गया। ये तो हो गई कंस्ट्रक्शन, ठीक है, डेफिनेशन लिखवा दी, कंस्ट्रक्शन लिखवा दी, समझ में भी आ गई, बहुत ही बच्चों वाली बात थी। इसके बाद हम इसकी वर्किंग डिस्कस करेंगे, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि इसको आप कॉपी कर सकें सुकून से, फिर हम जो है उसकी वर्किंग करेंगे बेटा। आई होप सो कि आपने इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। अब हम चलते हैं इसकी वर्किंग की तरफ, और फिर उसी में जो है हम रे डायग्राम भी देख लेंगे। मंडे से पहले पहले आप लोग चैप्टर 10 के सारे लेक्चर जो हैं वो देख के आइएगा, क्योंकि मैं हर जगह पर जहाँ जहाँ चैप्टर 10 चल रहा है, ठीक है, वहाँ पर मंडे से मैं चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दूंगा। दोबारा से जो है वो इस किसी क्लासेस नहीं लूँगा। हाँ, जाहिर है कि एक रिव्यू तो देना पड़ेगा कि हमने क्या क्या पढ़ाया, क्या क्या नहीं पढ़ाया, ठीक है, लेकिन सबसे इल्तिमास है कि चैप्टर 10 ऑलमोस्ट हमारा
इसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, पूरा हो जाएगा कल तक ना, ठीक है? तो कल आपको सारी रिकॉर्डिंग, सारी वीडियोस मिल जाएंगी चैप्टर नंबर 10 की, सब वैसे तो मिल चुकी हैं, 7 लेक्चर्स तो मिल ही चुके हैं आप लोगों को। 2 लेक्चर मैंने कहा था और रह गए, एक इसका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, फिर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। तो संडे तक सब देख लीजिएगा। मंडे को जब आप आएंगे तो हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। थ्योरी दोबारा से ना लिखवाई जाएगी ना पढ़ाई जाएगी, सिर्फ रिव्यू दिया जाएगा कि बेटा ये पढ़ाया है, इसमें ये चीज़ें थी। इस तरीके से हम बात करके 15-20 मिनट की बात करके आपको वेलकम कहेंगे, हम फिर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो एक सबसे रिक्वेस्ट है कि चैप्टर नंबर 10 जो है वो पूरा कंप्लीट जो है आप लोग अपनी कॉपी में राइट डाउन करके आएँ और समझ कर आएँ हर चीज़, ठीक है? जो चीज़ नहीं समझ आएगी ज़ाहिर सी बात है तो समझानी पड़ेगी दोबारा से, लेकिन प्रॉपर तरीके से जिस तरह होती है क्लास वैसे नहीं हो पाएगी, ठीक है? बहरहाल अब हम बात कर रहे हैं वर्किंग की बच्चों। वर्किंग में देखें, एक ऑब्जेक्ट है वो हमने कहाँ रख दिया, वैन ऑब्जेक्ट ए बी, ऑब्जेक्ट का नाम दिया ए बी, वैन एन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड बिटवीन एफ ओ एंड 2FO, एफ ओ मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और 2F क्या होता है, डबल डिस्टेंस होता है इसका, ठीक है? एफ ओ एंड 2FO ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस, या ऑफ एन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव लेंस ही होता है हम जानते हैं ये बात, ठीक है? इट्स इमेज ए डैश बी डैश इज फॉर्म एट द अदर साइड ऑफ द लेंस, ठीक है भाई? जनाब इट इज रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट ए बी। ये कहानी तो खत्म हो गई ऑब्जेक्टिव वाली। अब नेक्स्ट पैराग्राफ से क्या लिखेंगे, दिस ऑब्जेक्ट, अभी डायग्राम बनाऊंगा ना तो और समझ बात आ जाएगी। नेक्स्ट पैराग्राफ से क्या लिखेंगे, दिस ऑब्जेक्ट कैसे कर लेते हैं, दिस इमेज ऑब्जेक्टिव ने लेंस बना दिया, ऑब्जेक्टिव ने इमेज बना दिया। अब क्या लिखोगे, दिस इमेज ए डैश बी डैश कैन बी सर्व्ड एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस, ठीक है? क्या लिखोगे उसके बाद, फिर हम आईपीस को एडजस्ट करेंगे ना एडजस्टिंग स्क्रू से जो उसके माइक्रोस्कोप के होते हैं, ठीक है? हम आईपीस को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। अब यहां मैं क्या लिख रहा हूं, पोजिशन ऑफ आईपीस, पोजिशन ऑफ आई पीस इज सो एडजस्टेड, आपने क्या किया उसको एडजस्ट कर लिया, पोजिशन ऑफ आई पीस इज सो एडजस्टेड दैट, उसकी वजह से हुआ क्या, जैसे आपने पोजिशन ऑफ आई पीस एडजस्ट की तो उसकी वजह से हुआ क्या, उसकी वजह से हुआ ये कि अब ये जो इमेज बना के दिया था किसने, ऑब्जेक्टिव ने, ये सर्व हो रहा है आई पीस के लिए, अब आई पीस इसका इमेज बनाएगा। आईपीस इमेज कैसे बनाएगा, जब आप आईपीस को एडजस्ट करेंगे उसके जो भी आपके पास मौजूद है उसके इंस्ट्रूमेंट्स को एडजस्ट करने के लिए, फिर क्या होगा, पोजीशन ऑफ आईपीस इज सो एडजस्टेड देन, दैट के हम लिख देते हैं देन, देन हो जाएगा, ठीक है? देन द इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश कैन बी फॉर्म्ड, देन द इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश कैन बी फॉर्म्ड, आप हम लेते तो कैन बी फॉर्म्ड, इट इज वर्चुअल इरेक्ट एंड मोस्ट क्लियर।
इट इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मोस्ट क्लियर। अच्छा, अब आप जानते हैं ये बात कि ये इमेज जो है बनेगा किधर है, ये इमेज बनेगा कहाँ पर। हमें पता है कि ये हमेशा इमेज जो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में बनता है। बात समझ में आ रही है वाली आप लोगों को, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में बनता है। तो इट इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मोस्ट क्लियर, ये वाली बात भी समझ में आ गई। एक सेंटेंस लाइन बढ़ाने से अच्छा है कि हम इसको करेक्ट कर लें कि देन द इमेज ए डबल डैश कैन बी फॉर्म एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन लिखने के बाद ना, हम एक लाइन बढ़ाने से अच्छा है कि हम इसको यहीं पे एडजस्ट कर लें इस सेंटेंस को, ताकि ये बात भी वाजे हो जाए कि सर आपने जो हमें बात बताई थी कि हमेशा इमेज कहाँ बनता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में बनता है। तो यहीं पर लिख लेते हैं, कैन बी फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब लिख लो कि इट इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मोस्ट क्लियर। सही है भाई, ये पूरी हो गई किसकी, आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वर्किंग। ऊपर बता दिया आपने ऑब्जेक्टिव के बारे में, नीचे बता दिया आपने आईपीस की वर्किंग, खत्म कहानी। ठीक है, अच्छा अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात, रे डायग्राम है इसकी। ठीक है, रे डायग्राम वर्किंग में बनती है, चाहे तो आप लोग बना लें माइक्रोस्कोप की जो वो होती है, क्या कहते हैं उसको, मैग्नीफाइंग पावर, उसके अंदर बना लें, लेकिन हम वर्किंग बना लें ज़्यादा सही रहती है वर्किंग के अंदर। ठीक है, देखो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो दो लेंसेज बनाने पड़ेंगे। ठीक है, दो लेंसेज कौन से होंगे, ये आपके पास बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, दूसरा वाला आपके पास होगा आईपीस। आईपीस ठीक है, अब क्या होती है, एक आप जानते हैं एक लाइन होती है प्रिंसिपल एक्सेस की, तो प्रिंसिपल एक्सेस की लाइन बना लेते हैं। ये लाइन होगी बच्चे बच्चों किस चीज की, प्रिंसिपल एक्सेस की। ठीक है, मेरे पास स्केल या रूलर मौजूद नहीं है, आपको ऐसे ऐसे नजर आ होगी। ठीक है, तो आप लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे स्केल मौजूद होगा। जितनी प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे, चाहे तो अपनी कॉपी को वर्टिकल करके, यानी कि पोर्ट्रेट मोड, लैंडस्केप मोड में ला के, और ऐसे भी एक पेज के ऊपर डायग्राम बना सकते हैं अलग से भी, टेंशन की कोई बात नहीं। जिसकी डायग्राम पोर्ट्रेट मोड में ना बने, अपने रजिस्टर्स को ऐसे कर लीजिए, लैंडस्केप मोड में ले आइए, और प्रॉपर एक पेज पे जो है इस तरह डायग्राम बना लें, वो भी आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर डायग्राम बनेगी। ठीक है, बहरहाल उससे पहले एक बात और, कि आपको पता है कि ये तो होगा इसका ऑप्टिकल सेंटर ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, ये वाली चीज होगी एफ ओ, इसका डबल डिस्टेंस होगा मेरा बेटा 2 FO। सही है, हमने क्या कहा है, हमने कहा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस बिटवीन एफ ओ एंड 2 FO ऑफ एन ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बेटा हमारे पास यहां पर, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट आ गया। हम जानते हैं एक लाइन जाती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक लाइन चली गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, ये आ गई एक लाइन। एक लाइन जाती है ऑप्टिकल सेंटर से जाती है एक लाइन। अब रखा हुआ है 2 FO और FO के बीच में, कौन सा केस है ये, तीसरा वाला। कैसे तीसरा वाला केस है, जब हम क्लास हमने शुरू की थी इस चैप्टर की लेक्चर 1 के अंदर, तो आपको पता होगा कि क्या किया था हमने, हमने ये काम किया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट रखा हुआ था इन्फिनिटी पर, फिर करीब आया था 2 FO पर, फिर कहाँ आ गया था इन बिटवीन एफ ओ एंड 2 FO आ गया था। ठीक है भाई, अब ऑब्जेक्ट इसका इमेज क्या बनेगा, टू इस साइड पर भी एफ ओ 2 FO होता है। ठीक है ना, इसका बनेगा 2 FO के पीछे। जब 2 FO के पीछे बनेगा, तो इसकी फोकल लेंथ जो है वो कैसी है, बड़ी फोकल लेंथ है ना, जब इसका अपर्चर बड़ा है तो फोकल लेंथ ही बड़ी होगी। तो इत्तफाक से होगा क्या कि ये जो इमेज बना के देगा ना इसको, ठीक है, उसूली तौर पर इसको हटा दें, इसको छुपा दें, मैं इसके आगे आता हूँ, इसको छुपा दें अगर, तो जो इसका इमेज बनेगा वो इसके 2 FO के पीछे बनेगा, वो इसके 2 FO के पीछे बनेगा, इसके 2 FO के पीछे बनेगा, और इसके FE के अंदर बन जाएगा, मतलब फोकल लेंथ ऑफ आईपीस के अंदर बन जाएगा। अब कौन सा केस आ जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस जब अंदर बन जाएगा, तो इसका मतलब आ गया कि अभी इतनी बात, अभी यहां रुको। ठीक है, देखो ये बना दूं मैं तुम लोगों के लिए,
इसको स्ट्रेट ले आए, यहां पर आके मिल गई चीजें, जहां से अट्रैक्ट, जहां से क्रॉस की हैं, वो भी क्या होगा, एफ ओ, इसका डबल क्या हो जाएगा, टू एफ ओ। सही है, ये सिलसिला हो गया, टू एफ ओ के पीछे बन गया इमेज, ये बन गया टू एफ ओ के पीछे इमेज, ये बन गया टू एफ ओ के बिहाइंड बन गया इमेज, बियॉन्ड बन गया इमेज, इसका नाम क्या है, ए डैश बी डैश। सही है, अब इसके लार्ज अपर्चर की वजह से इसकी फोकल लेंथ भी बड़ी होगी। फोकल लेंथ कितनी बड़ी होगी सर, सवाल भी होता है। फोकल लेंथ इसकी अप्रोक्सीमेटली यहां तक तो होगी होगी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एफ ई, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। अब ये कौन सा केस है, ये छठा केस है, लास्ट केस है कि वैन, अब ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज है, इसके लिए एज अ ऑब्जेक्ट सर्व हो रहा है। तो यहां पे मैं एक और बात दे दूं कि ये हमारे पास है, इसका नाम है ए, इसका नाम है ए बी, ठीक है। अच्छा, इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है ए डैश और ये है बी डैश, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बना है। यहाँ तक कहानी खत्म हो गई कि इट इज रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, इसके मुकाबले में रियल है, इन्वर्टेड उल्टा है और बड़ा भी है, ठीक है, टू द ऑब्जेक्ट ए बी, इस ए बी से बड़ा है, ठीक है। अब आओ नीचे, क्या कह रहे हैं, दिस इमेज ए डैश कैन बी सर्व्ड एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस। अब ये इमेज जो है इसके लिए एज अ ऑब्जेक्ट सर्व हो रहा है। अच्छा जनाब, जब एज अ ऑब्जेक्ट सर्व हो रहा है तो फिर क्या होगा, फिर एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन चली गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सही है बच्चों, अच्छा यहां से ए मिटा दूं ताकि लाइन चली जाए यहां से स्ट्रेट। इसको ले देते हैं ए डैश को यहां पर ले देते हैं ताकि कोई मसले की बात ना हो ना, ए डैश यहां पर ले देता हूं। अब देखो बच्चों, एक जाती है तो हमें पता है इसके ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, इसके ऑप्टिकल सेंटर से चली गई एक लाइट रे, ठीक है। अब क्या होगा कि ये इसका इमेज जो है उसी साइड पे उसी के जैसा उससे बड़ा बनता है, ठीक है। हम केस नंबर सिक्स की प्रॉपर्टी पढ़कर आए थे, तो इसको ले आता हूं मैं आगे, क्योंकि ये लाइन तो आगे आएगी हमारे पास, इसको मैं ले आया आगे, यहां तक ले आया, ठीक है भाई, यहां तक आ गई ये बात। और एक लाइट रे कहां तक आएगी, यहां तक आएगी एक लाइट रे, एक लाइट रे ऐसी आ गई यहां तक। क्यों ऐसी आई है, क्योंकि हमें एक बात पता है कि ये तो स्ट्रेट लाइन आएगी, लेकिन ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही, तो ऐसे गुजर जाएगी वहां से ये। अब कैसे गुजरेगी, इसके स्ट्रेट गुजरेगी, तो आओ इसके स्ट्रेट गुजारे इस लाइन को, ये इसके स्ट्रेट आ जाएगी और इसको इसके स्ट्रेट गुजार लेते हैं। ये ऐसे स्ट्रेट गुजर जाएगी और यहां पे जो है ये हो गई यहां तक, ठीक है, यहां पे बनी भी होगी आई, जहां से आप जो है वो इमेज देख सकते होंगे। और ये जो इमेज बना आपके पास, ये बन गया फाइनल इमेज, ठीक है भाई, ये क्या बन गया, फाइनल इमेज बन गया। बात समझ में आई है, ये देखो क्या हुआ, दोबारा दोबारा सुन लो एक बात, ये वाली तो लाइन स्ट्रेट जाएगी ऐसे, तकरीबन मेरी स्ट्रेट ही गई है, थोड़ा सा यहाँ पे डेविएट हो गई, स्केल नहीं ऐसे ऐसा हुआ है, लेकिन ये वाली लाइन, ये भी लाइन भी स्ट्रेट गई है, ठीक है। ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, तो उसकी वजह से आपकी आई जो है वो देख सकती है आराम से उस ऑब्जेक्ट को। मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैंने जो है वो ये सिलसिला किया। अच्छा, ये बात भी समझ में आ गई, इसको क्या नाम देंगे हम, इसको नाम देंगे हम ए डबल डैश बी डबल डैश का, ए डबल डैश बी डबल डैश का, ठीक है भाई, यहां तक मामला हो गया। अब देखो, इसका नाम है ऑब्जेक्टिव, इसका नाम है आईपीस, ऑब्जेक्टिव और
आईपीएस आ गया। उसके बाद यहां से लेकर बल्कि एक काम करते हैं, इसको ये है ओ और ये है ओ प्राइम, ठीक है भाई। तो इसको ज़रूरत नहीं है हमें करने की, हम एक काम करते हैं कि इसका डिस्टेंस लेते हैं ऑब्जेक्ट से लेके, लेंस तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी ओ से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। फिर बना तुम्हारे पास इमेज, ये इमेज बना था, किसका इमेज बना था? ये ऑब्जेक्टिव का इमेज बना था। तो इसको तुम क्या कहोगे? क्यू ओ, ठीक है। फिर ये जो इमेज था ये इसके लिए सर्व हुआ क्या एज अ ऑब्जेक्ट, तो ये क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसका? ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा आईपीएस का, यानी कि पीई हो गया। ये समझ में आ रही है बात? ये क्या हो गया बेटा? पीई हो गया। अब ये बनाया है इमेज, ठीक है। तो इसका इमेज डिस्टेंस हमारे पास यहां बना देते हैं इमेज डिस्टेंस हम इसका भी, इसका इमेज डिस्टेंस क्या होगा? क्यू ई, ये होगा क्यू ई, यहां से लेके यहां तक ये क्यू ई होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? क्यू ई हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज मैं यहां बना दूं कि यहां से लेके ये पूरा डिस्टेंस जो है कहां तक, अल्लाह भला करे आपका, ये चीज यहां तक पूरा, ये कहलाता है लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, जो कि एग्जैक्टली किसके बराबर है? ये दो लाइंस क्यू ओ प्लस पी ई के बराबर है। ये पूरी रे डायग्राम आ गई है, काफी कॉम्प्लिकेटेड रे डायग्राम है, इसीलिए इतनी जो इस तरीके से बन गई है फैली हुई। तो आपको मैंने कहा कि आप लैंडस्केप मोड में बनाएंगे तो आपकी प्रॉपर डायग्राम बन जाएगी, जब आप प्रॉपर पेंसिल स्केल यूज करेंगे तो ये लाइन्स भी आपकी बिल्कुल पैरल आएंगी दोनों लाइन्स, ठीक है। और यहाँ आके क्या हो जाएंगे? ये कॉइंसिड कर जाएंगे, इमेज बन जाएगा, ठीक है। तो ये रे डायग्राम हो गई पूरी, प्रॉपर लेबलिंग मैंने कर दी है, हर चीज़ आपके सामने है। मैं डायग्राम इरेज नहीं करूंगा ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो डेरिवेशन करने में। इसका स्क्रीनशॉट लें फिर हम इसको यहीं यहीं पर, और जो नीचे जगह है इसको वो कर लेंगे, फिर ये पर हम मैग्नीफाइंग पावर की डेरिवेशन कर लेंगे। बहरहाल इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। आई होप सो कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट भी जो है वो ले लिया होगा। इसको हम इसकी वर्किंग को जो है वो इरेज कर रहे हैं। डायग्राम आपके सामने वैसे की वैसी बनी हुई है। पिछले साल 2020 में अगर एग्जाम्स होते फर्स्ट ईयर के, वैसे तो नहीं हुए, तो उसमें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आता, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आना था, लेकिन अब चूंकि एग्जाम ही नहीं हुए, ठीक है। तो देखिए मैं बताई दूं चले आज आपको ये बात कि इस हर एक साल में, एक साल सिंपल माइक्रोस्कोप, एक साल कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक साल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आना होता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो पिछले साल एग्जाम नहीं हुए, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप नहीं आ सका, ठीक है। अब इस साल सिंपल माइक्रोस्कोप भी आ सकता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी आ सकता है, ठीक है, और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी आ सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर आया नहीं है, ठीक है ना। तो अभी हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा हमारे पास जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में चैप्टर 9-10 से सवाल बनेगा, और सवाल 10 से बनता यही है, इन तीन में से कोई एक बनेगा, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फिर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इन तीन में से कोई एक लॉन्ग सवाल होगा। अब कौन सा होगा ये भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हम, क्योंकि लास्ट ईयर एग्जाम नहीं हुए, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप लास्ट ईयर आना था एग्जाम के अंदर लेकिन नहीं आ सका, तो अब या तो सिंपल माइक्रोस्कोप आ जाए या कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ जाए, या एस्ट्रोनॉमिकल नहीं दिया तो होता है वो दोबारा इस साल दे दें। तो हमें अभी कुछ श्योरिटी नहीं है कि कौन सा सवाल लॉन्ग में बनेगा, एंड में अगर मैग्नीफाइंग पावर, एंड में जो मैं आप लोगों को गैस पेपर बना के दूंगा उसमें देखते हैं कौन सा दूंगा मैं आप लोगों को, तो फिर आप लोग वो याद कर लीजिएगा। लेकिन अभी फिलहाल टेस्ट वगैरह के लिए मैं तीनों याद करने हैं। बहरहाल शुरू करते हैं इसकी एंगुलर मैग्नीफिकेशन के। मैग्नीफाइंग पावर तो आपको पता ही है कैसे निकाली जाती है, मैग्नीफाइंग पावर
ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैन बी डिटरमाइंड एज, फॉर्मूला जानते हैं आप लोग क्या होता है बेटा, एम इज इक्वल्स टू बीटा ओवर अल्फा होता है, एम इक्वल्स टू बीटा ओवर अल्फा, सबको पता है ये फॉर्मूला, एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, विजुअल एंगल ऑफ द इमेज और विजुअल एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी मेहनत किस लिए करनी है, बीटा की वैल्यू निकालने के लिए और अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए। मजे की बात, हमने वो बीटा अल्फा मेंशन ही नहीं किया, अभी मेंशन कर देते हैं। ये हो गई क्वेश्चन नंबर वन, देखो ये होगा अल्फा, ठीक है, और ये होगा बीटा, ये क्या होगा बेटा, बीटा हो जाएगा, सही है। अच्छा जनाब, अब आते हैं हम इसकी तरफ। देखें फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं इसकी बात करूं, ट्राइंगल ए बी ओ की बात करूं, ये ट्राइंगल ए बी ओ है ना, ये वाला, इसको कंसीडर करें, तो आपके पास जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है वो होता है एक स्केल के बराबर, ये इतना बड़ा ना, 25 से 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 से 20 सेंटीमीटर। तो 25 से 20 सेंटीमीटर क्या होता है, जो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप होती है, लेंसेज के दरमियान जो गैप होता है वो 25 से 20 सेंटीमीटर का ही होता है। जब 25 से 20 सेंटीमीटर का गैप है, ठीक है, तो यूं समझे कि जो इमेज बन रहा है वो बन किसके अंदर रहा है, डिस्टिंग विजन के अंदर बन रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी कहाँ रखा हुआ है, डिस्टिंग विजन में ही रखा हुआ है। तो अब हम क्या काम करेंगे कि इसको जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को भी हम डिस्टिंग विजन ही कंसिडर करेंगे, और इमेज डिस्टेंस को भी, फाइनल इमेज डिस्टेंस है उसको भी हम डिस्टिंग विजन में कंसिडर करेंगे। क्या मतलब इस बात का, मतलब इस बात का ये है कि ऑब्जेक्ट भी डिस्टिंग विजन के अंदर है, इमेज भी डिस्टिंग विजन के अंदर है। डिस्टिंग विजन क्या होता है, लिखे थी ना वर्किंग में हमने, कि इमेज का माना डिस्टिंग विजन में माना, और जो इसका ऑब्जेक्ट है वो भी कहाँ रखा हुआ है, डिस्टिंग विजन में रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर के अंदर अंदर ही होगा वो, ठीक है भाई। अच्छा अब क्या लिखोगे यहाँ पर, कि कंसीडर आ ट्राइंगल, कंसीडर आ ट्राइंगल ए बी ओ, वी हैव, जनाब कंसीडर कर लिया ट्राइंगल आपने, तो हमें ट्राइंगल की परपेंडिकुलर साइड पता है और बेस पता है ना, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हैं हम इस चीज़ को, लिख सकते हैं कि भाई टेन अल्फा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, ए बी अपॉन बी ओ है, ठीक है। आप लोगों की आसानी के लिए मैं एक काम और कर लेता हूँ, कि ये लीजिए, ये हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है, और ये साइड आ गई ओ तुम्हारे पास, और ये साइड आ गई तुम्हारे पास दूसरी वाली जिससे एंगल बन रहा है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया अल्फा, ठीक है, और ये बराबर किसके है, डी के बराबर है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक डी के बराबर हो गया, सही है ये ट्राइंगल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सर हमारे पास बी ओ जो है वो बराबर है किसके, डी के। तो क्या बन जाएगी इस इक्वेशन, इक्वेशन बन जाएगी टेन अल्फा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन डी। फिर हम जानते हैं कि अल्फा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्टिव की जो है वो बहुत छोटी होती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को सेट नहीं करना पड़ता है ऑब्जेक्टिव को इतना। अच्छा जब छोटी होती है तो हम एक सेंटेंस लिखते हैं कि अगर अल्फा छोटा है, इफ अल्फा इज स्मॉल या अल्फा अप्रोचेस टू जीरो, देन टेन अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी तुम्हारे पास, फिर इक्वेशन बन जाएगी तुम्हारे पास अल्फा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन डी। दिस इक्वेशन इज टर्म्ड एज इक्वेशन नंबर टू, ये क्या हो गई, इक्वेशन नंबर टू हो गई। कौन सी इक्वेशन नंबर टू हो गई, टेन अल्फा को हमने अल्फा के इक्वल ले लिया, तो अल्फा इक्वल टू ए बी अपॉन डी बन गया, ठीक है। डायग्राम में इरेज नहीं करना चाह रहा, ताकि आप लोग जो है वो समझते रहें हर एक चीज़ को, मैं इसी साइड को दोबारा इरेज करूँगा, ठीक है। एक तो पहले मैं यहाँ कर देता हूँ थोड़ा सा काम। देखें अब क्या कंसिडर करेंगे, अब कंसिडर कर रहे हैं ट्राइंगल फाइनल इमेज वाला, कौन सा वाला, फाइनल इमेज, कौन सा फाइनल इमेज, ए डबल डैश बी डबल डैश, ये वाला ट्राइंगल, मेरा मार्कर देखना ज़रा, ए डबल डैश बी डबल डैश ओ डैश, ये ट्राइंगल कंसिडर कर रहा हूँ मैं, फाइनल इमेज वाला, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, कंसीडर अ ट्राइंगल, अगेन कंसीडर अ ट्राइंगल, अगेन कंसीडर अ
ट्रायंगल ए डबल डैश बी डबल डैश ओ डैश वी हैव व्हाट? तो आइए क्या है हमारे पास, हमारे पास है टेन बीटा इज इक्वल्स टू टेन बीटा, ये एंगल है तो ये सामने साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। ए डबल डैश बी डबल डैश, बेस क्या होगा ये पूरा, यानी कि बी डबल डैश ओ डैश, ठीक है। बी डबल डैश ओ डैश वैसे तो क्यू ई के बराबर है, देख रहे हैं आप लोग, बी डबल डैश ओ डैश वैसे तो क्यू ई के बराबर है, लेकिन इमेज कहाँ बना है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में बना है, तो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, बी डबल डैश ओ डैश को भी डी के इक्वल्स ले लेंगे। सही है बच्चों, डी के इक्वल्स ले लिया, तो इक्वेजन क्या बन गई, इक्वेशन बन गई टेन बीटा इज इक्वल्स टू ए डबल डैश बी डबल डैश बी डबल डैश ओ डैश। अब हम जानते हैं कि बीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, छोटी होती है, तो क्या करोगे, इफ बीटा इज स्मॉल देन टेन बीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू बीटा, ठीक है। तो टेन बीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू बीटा हो गया, अब आपके पास क्या हो गया, क्या बन गई इक्वेशन, आपके पास बन गई बीटा इज इक्वल्स टू ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन डी, ठीक है। ये बीटा की वैल्यू भी आ गई, इसको आपने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। नाउ वी गेट द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा की वैल्यू भी आ गई और बीटा की वैल्यू भी आ गई। अब क्या करेंगे, बीटा की और अल्फा की वैल्यू को पुट कर देंगे कहां पर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो इतने काम का स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे काम करते हैं। आई होप सो कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं दोबारा से यही इरेज कर रहा हूं मैग्नीफाइंग पावर वाली इसको ना, ठीक है। याद रखना अल्फा की वैल्यू क्या आई है, ए बी अपॉन डी आई है, बीटा की वैल्यू क्या आई है, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन डी आई है, ठीक है। जनाब अब हमने क्या करना था, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 1, क्या बन जाएगा, बीटा की वैल्यू आई थी ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन डी, अल्फा की वैल्यू आई थी ए बी अपॉन डी इज इक्वल्स टू एम, ये थी इक्वेशन नंबर 1, सही है। जब रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये थी इक्वेशन नंबर 1, जब रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी सिलसिला क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा एम इज इक्वल्स टू ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन डी मल्टीप्लाई बाय डी अपॉन ए बी, ए बी से ए बी क्या हो गया कैंसिल, ए बी से ए बी ओ सॉरी डी से डी कैंसिल, तो हमारे पास क्या बन गया, एम इज इक्वल्स टू ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी, ठीक है। अब देखो तीन रेड और एरोज नजर आ रहे हैं, यानी कि एक ए बी इसका इमेज बना ए डैश बी डैश, ये सर्व हुआ एज अ ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस, और इसने इमेज बनाया ए डबल डैश बी डबल डैश। इक्वेशन में ए डबल डैश बी डबल डैश तो आ गया, ए बी भी आ गया, जिसका मेन किरदार था ए डैश बी डैश का, वही मौजूद नहीं है, तो ये नाइंसाफी हो जाएगी ना ए डैश बी डैश के साथ, तो इसको भी लाना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब इसको कैसे लेकर आएंगे हम, इसको ऐसे लेकर आएंगे हम इसको आपने नाम दिया इक्वेशन नंबर 4 का, ठीक है। अब इक्वेशन 4 में तुम्हें लेकर आना है ए डैश बी डैश, तुम जानते हो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंगली तुम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, तुमने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग ए डैश बी डैश इन इक्वेशन नंबर 4, जब मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया इसको, तो ये क्या बन गई इक्वेशन, ये बन गई ए
एम इज इक्वल्स टू ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी मल्टीप्लाई बाय ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश। अब देखो क्या कर रहा हूँ, ए डैश रिप्लेस कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, रिप्लेस कर सकता हूँ, इसको इधर कर रहा हूँ, इसको इधर कर रहा हूँ, ठीक है। इसको जब इधर उधर किया यानी रीअरेंज किया तो एक स्टेप क्या बन गया, स्टेप बन गया हमारे पास m इज इक्वल्स टू ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश मल्टीप्लाई बाय ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। ये अपनी जगह पे रहा, 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 ठीक है। ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, समझ में आ गई बात ये वाली। ये बन गई तुम्हारे पास ए डबल डैश बी, एक और इक्वेजन, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेजन नंबर फाइव का, इक्वेजन नंबर फाइव का। अब जरा गौर करना एक बात, हम आपको पढ़ाकर आए थे कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज, इसमें मैंने सिर्फ स्टेटमेंट आप लोगों ने समझा दी थी बात कि जब दो लेंसेज लगे हुए हों तो हम मैग्नीफिकेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, दोनों की मैग्नीफिकेशन मल्टीप्लाई करवाकर। और ये मेरी बात प्रूफ भी हो गई कि दोनों की मैग्नीफिकेशन को मल्टीप्लाई करवाकर। सर आप ये कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि दोनों मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले हैं, तो आइए जस्टिफाई करके दिखाऊं मैं आपको। इसकी बात करता हूं पहले, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश, ये रहा ए डबल डैश, ये रहा बी डबल डैश, ये रहा ए डैश, ये रहा बी डैश। अभी आई पीस की बात करते हैं, ठीक है। देखो ए डबल डैश बी डबल डैश ये इमेज है, हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज है, ए डैश बी डैश साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हम जानते हैं कि हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी फॉर्मूला था मैग्निफिकेशन का, हाई अपॉन हो या एच आई अपॉन एच हो, पढ़कर आए थे ना ये। तो ए डबल डैश बी डबल डैश साइज ऑफ इमेज है फॉर दिस लेंस, ए डैश बी डैश साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है फॉर दिस लेंस, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ ना कि भाई मेरे पास जो ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश है वो मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस के बराबर है। तो मैं हिंट दे सकता हूँ कि जो एम ई बन जाएगा वो क्या होगा, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस बन गई। अच्छा फिर आओ अब आते हैं ऑब्जेक्टिव के ऊपर, ऑब्जेक्टिव के लिए ये ऑब्जेक्ट है ये इमेज है, तो यहां देखो ए डैश बी डैश इज द साइज ऑफ इमेज एंड ए बी इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इसकी मैग्निफिकेशन हो गई। किसकी मैग्निफिकेशन हो गई, आपके पास मैग्निफिकेशन हो गई एम ओ हो गया, एम ओ इज इक्वल्स टू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये वाली बात भी समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा अब क्या रह गई, इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी एम इज इक्वल्स टू एम ई मल्टीप्लाई बाय एम ओ, एम ई मल्टीप्लाई बाय एम ओ। जब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीफिकेशन का एक्चुअल फॉर्मूला हमारे पास होता है इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये भी फॉर्मूला होता है इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो मैं लिख सकता हूँ ना इसका इमेज डिस्टेंस क्या होगा, इसका इमेज डिस्टेंस जीरो, ये रहा लेंस, ये रहा इसका इमेज, तो ये इसका इमेज डिस्टेंस क्या होगा क्यू ओ, ये रहा लेंस, ये रहा ऑब्जेक्ट, तो इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा पी ओ, तो इसकी मैग्नीफिकेशन क्या होगी हमारे पास क्यू ओ अपॉन पी ओ, ठीक है। दोबारा सुनो जरा बात को, अब इसकी मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला एक और होता है इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इसका इमेज डिस्टेंस क्या है, ये रहा इसका इमेज डिस्टेंस यानी कि क्यू ओ, ये रहा इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि पी ओ। तो मैं लिख सकता हूँ ना कि एम ओ बराबर किसके हो जाएगा क्यू ओ अपॉन पी ओ के। ये जो काम कर रहा है कौन, आई पीस, सिवाए इस इमेज, इस इमेज को बड़ा करने के और कोई काम सॉरी बेटा और कोई काम नहीं कर रहा। इसने बना, मेहनत तो इसने की है, इसने बना के इमेज दिया आई पीस को, आई पीस ने इसको इनलार्ज कर दिया, और इनलार्ज कौन करता है, इनलार्ज मैग्नीफाइंग ग्लास करता है, यानी कि आई पीस यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास का किरदार अदा कर रहा है, आई पीस यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास का किरदार अदा कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि इसकी मैग्निफिकेशन किसकी मैग्निफिकेशन के बराबर होगी, सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला था उसके बराबर होगी, ठीक है। तो बहरहाल तुम लोग यहाँ तक तो काम करो, यहाँ तक काम करो, उसका स्क्रीनशॉट लो, फिर यहाँ से इरेज करके दोबारा काम शुरू करते हैं हम, ठीक है। आई होप सो कि इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, टाइम काफ़ी हो चुका है, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हो चुके हैं, हमारा सबसे लंबा लेक्चर होगा ऑनलाइन क्लास का ये, लेकिन क्या करेंगे इसको कंप्लीट करना था हमने एक ही लेक्चर के अंदर। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक पूरी, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। हमने क्या करना है, सुनना बात को, इसकी जगह चलो पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पे वैल्यू, ये देखो लिख देता हूँ ना, फिर पुट कर दूंगा। मेरे पास एम ओ बराबर किसके होगा क्यू ओ अपॉन पी ओ के बराबर होगा, एम ओ किसके बराबर होगा क्यू ओ अपॉन पी ओ के बराबर होगा, और एम ई किसके बराबर होगा,
1 प्लस डी अपॉन एफ ई के बराबर होगा। फॉर्मूला क्या था माइक्रोस्कोप की, सिंपल माइक्रोस्कोप मैग्नीफिकेशन का, एम इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी अपॉन एफ, क्योंकि ये किरदार अदा कर रहा है मैग्नीफाइंग ग्लास का, दैट्स व्हाई फॉर्मूला क्या हो गया एम ई है, मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी अपॉन एफ फॉर्मूला था, एफ मतलब क्या फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, तो एफ ई लग गया। ये दोनों फॉर्मूले आ गए, अब ये यहाँ पुट हो जाएंगे इक्वेशन नंबर 6 के अंदर। इक्वेशन नंबर 6 में ये फॉर्मूले पुट हो जाएंगे। एक बार पुराना वाला स्क्रीनशॉट डिलीट कर दीजिएगा, ये दोबारा ले लें ये वाला स्क्रीनशॉट, आई होप सो के ले लिया होगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसकी जगह पर ये लिखूंगा, इसकी जगह पर ये लिखूंगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, बस दो चार स्टेप और रह गए मैं खत्म होने वाली डेरिवेशन। देखो भाई क्या बन गई हमारे पास, m इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 6 से बन गई, नाउ इक्वेशन नंबर 6 बिकम इक्वेशन नंबर 6 हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन 6 बन गई हमारे पास m इज इक्वल्स टू 1 प्लस d अपॉन एफ ई इंटू क्यू ओ अपॉन पी ओ, और यू कैन से दैट कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि m इज इक्वल्स टू क्यू ओ अपॉन पी ओ 1 प्लस d अपॉन एफ ई, ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज को। ठीक है, अच्छा एक तो फॉर्मूला ये बन गया ये वाला, ठीक है m इज इक्वल टू क्यू ओ। अच्छा एक बात और, एक बात और क्या कि अगर मैं जरा सुनना बात को गौर से ना, इसको करीब लाऊं किसको, ऑब्जेक्ट को मजीद ऑब्जेक्टिव के करीब लाऊं, फर्ज कर लो कि इतना करीब आ गया कि यहां पहुंच गया तकरीबन इसके पास ना, ठीक है, तो ये पी ओ जो है एफ ओ के बराबर हो जाएगा, जब करीब लाऊंगा मजीद ऑब्जेक्ट को तो ये पी ओ जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ओ हो जाएगा। ठीक है, जाहिर है जब ये करीब आएगा तो ये इमेज और दूर भागेगा। ठीक है, देखिए ये इमेज कहाँ आ जाएगा, तकरीबन यहां तक आ जाएगा ये इमेज, समझ आ रही है बात ये वाली। ठीक है, अच्छा ये बात समझे, जब ये और करीब आ जाएगा, मेरा सुनना बड़ी ही प्यारी बात है ये, ठीक है, ये करीब आया ये और दूर हो गया। ठीक है, अच्छा जनाब जब ये और दूर हो गया तो जब ये और दूर हो गया तो इसके करीब हो गया, जब इसके करीब हो गया तो इसका इमेज ये वाला और दूर भागेगा, ये वाला इमेज कहाँ भागेगा, और दूर भागेगा, यानी कि क्यू ई जो है तकरीबन यहाँ तक आ जाए, दोबारा इसको करीब लाएं, ये दूर हो गया, जब ये दूर हो गया तो इसके करीब हो गया, आई पी से करीब हो गया, जब आई पी से करीब हो गया, आई पी से इमेज बनाएगा ए डैश बी डैश का, तो क्या बनाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश, जो कि और थोड़ी सी इधर की तरफ बनेगा, क्योंकि क्यू ई बढ़ के यहाँ तक आ जाएगा ऑलमोस्ट, जब यहाँ तक आ जाएगा तो क्यू ई किसके बराबर हो जाएगा, एल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या लिख रहे हैं कि इफ कंडीशन यानी इफ ऑब्जेक्ट ए बी इज मूव्ड क्लोज टू द ऑब्जेक्टिव देन, अच्छा देन क्या होगा फिर, देन ग्रीन मार्कर से लिखते हैं, पी ओ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ओ एंड क्यू ओ कहाँ चला गया। अच्छा उससे पहले एक बात और कि मैंने क्या कहा था कि ये जो है बढ़ के इधर आ जाएगा, ठीक है कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, हम आगे की बात नहीं करते ना, क्यू ओ बढ़ के कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, जब क्यू ओ बढ़ के इधर आ जाएगा तो क्यू आराम से ये बात भी कर सकते हैं कि क्यू ई फॉर्मूले में आता, क्यू ई बराबर किसके आता, एल के बराबर आता, ठीक है ये बात की बात है, हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, क्यों ऑब्जेक्टिव बात कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास क्या है पी ओ और क्यू ओ है, तो पी ओ तो मैंने बता दिया एफ ओ के बराबर है, अब जब ये मैं करीब लेकर आया तो ये इमेज यहाँ भागा, ये इमेज इसका बनावे इमेज यहाँ भागा, यहाँ आ गया, ठीक है जब यहाँ आ गया अप्रोक्सीमेटली यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, जब यहाँ आ जाएगा तो ये क्यू ओ जो है क्यू ओ कहाँ गया, ये क्यू ओ ये भी यहाँ ये वाला क्यू ओ है ना, तो क्यू ओ बढ़ के इतना बड़ा हो जाएगा, जब क्यू बढ़ के इतना बड़ा हो जाएगा तो किसके बराबर हो गया अप्रोक्सीमेटली, एल के बराबर हो गया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि भाई हमारे पास जो क्यू ओ है वो बराबर किसके हो गया अप्रोक्सीमेटली, एल के बराबर हो गया। ठीक है, तो फॉर्मूला ये चीज़ जो है ऐसे भी लिखी जा सकती है कि m इज इक्वल टू l अपॉन एफ ओ 1 प्लस डी अपॉन एफ ई,
ये फॉर्मूला भी यूज़ करते हैं हम कहाँ पर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन निकालने के लिए। आई होप सो कि बात समझ में आप लोगों के आ गई होगी। ठीक है, कोई भी बात समझ में ना आई हो, ये वाले कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो तो मुझसे दोबारा पूछ लेना कि ये इधर आया तो ये पी ओ बराबर हो गया एफ ओ के, ये मजीद दूर हो गया तो क्यू ओ का साइज़ बढ़ गया, जब क्यू ओ का साइज़ बढ़ गया ठीक है तो हमारे पास क्या हुआ, जब क्यू ओ का साइज हमारे पास बढ़ गया तो क्यू अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर हो गया, एल के बराबर हो गया। क्यू ओ क्यों बढ़ा, क्योंकि इसको हम करीब लाए, जब करीब लाते तो इमेज दूर भागता है, इमेज दूर भागा तो ये क्यू ओ बढ़ के यहाँ तक पहुँच गया, जब यहाँ तक पहुँच गया तो अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर हो गया, एल के बराबर हो गया। ठीक है, इससे पहले मैंने बात बता दी कि क्यू ई बढ़ जाएगा दादा, क्यू ई बढ़ेगा। अगर फॉर्मूले में क्यू ई होता, मैंने पहले देखा नहीं था फॉर्मूले में क्यू ओ है या क्यू ई है, मेरे दिमाग से निकल गया था ये फॉर्मूले में क्यू ओ है, तो अब हम क्यू ओ की बात करेंगे, क्यू ई की बात नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप सो की बात समझ में आ गई होगी आप लोगों की। पूरी पूरा लेक्चर देखिएगा तमीज़ से, बिल्कुल सुकून से, क्योंकि जहाँ आप इंटरफेयर करेंगे अपने लेक्चर के अंदर, डेरिवेशन समझ में नहीं आएगी, डेरिवेशन समझ में नहीं आएगी तो मसला हो जाएगा फिर। ठीक है, तो आई होप सो कि सारी बातें समझ में आ गई होंगी, नहीं समझ में आई तो मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं, उस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको ऑडियो पे रिप्लाई कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पर, या फिर क्लास में जब शुरू करेंगे मंडे से तो वहाँ बता देंगे। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।